हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चिट चैट सीरीज। तो चिट चैट सीरीज लेट इसलिए हो गई क्योंकि उसमें एक टेक्निकल इश्यू आ गया था। हमने आपने देखा होगा कि दो तीन वीक से एक चिट चैट सीरीज की नेक्स्ट वीडियो नहीं आ रही थी। एग्जैक्टली, और वो टेक्निकल इशू ये था जो हमने एक्सप्लेन भी किया, मतलब बताया था कि टेक्निकल इशू की वजह से हुआ है। टेक्निकल इशू ये था कि हमने जो हमारे गेस्ट बुलाए थे, जो आपको वीडियो में देख लेंगे आप, तो उनके साथ जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो हमारी वॉइस की रिकॉर्डिंग का थोड़ा इशू हुआ था, और उस वाइट की रिकॉर्डिंग का इशू की वजह से वॉइस क्वालिटी इतनी बुरी हो गई कि हम उसे एडजस्ट करने की काफ़ी कोशिश करते रहे। दो वीक हमें लग गए, बट अभी भी प्रॉपरली क्लियर वॉइस हम मैनेज नहीं कर पाए, बट गुजारे लाइक सिस्टम बन गया, इतना हो गया कि वीडियो देखी जा सके। सो थोड़ी सी वॉइस क्वालिटी को इग्नोर करके हमारी बात की, बाकी उनकी क्लियर है, हमारी बात वाली थोड़ी सी आप इग्नोर करके वीडियो देखें एंड शेयर योर एक्सपीरियंस अपने कमेंट्स के कमेंट सेक्शन में। चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मंडी रिएक्शन। आज फिर एक और चिट चैट की सीरीज के साथ आपके सामने मौजूद मैं उस्मान और मैं हूं आदिल, और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं जिनकी सबसे ज्यादा सजेशन आ रही थी पिछले एक महीने से, वो है न्यूज व्यूज एंड अपडेट चैनल से इमरान एंड थैंक यू सो मच। बिल्कुल सॉरी, क्योंकि इस तरह से जैसे आपने ईमेल में भी बताया था कि आई थिंक क्रॉस बॉर्डर भी शायद आप लोग कर रहे हो, तो ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव, मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारी चीजें जो इनसे सॉर्ट आउट हो जाती हैं। और एक प्यार जो आप डिलीवर करते हैं वो एक बॉन्डिंग बनाता है, तो ये बॉन्डिंग जो होती है ना, ये बहुत सारी नफरतें, बहुत सारी चीजें जो वो खत्म कर देती हैं, तो मे बी इस वजह से लोग हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी साइड पर लोग इतने अच्छे हैं, दे आर जस्ट लाइक अस, और कोई डिफरेंस मुझे नहीं नजर आता। तो अनलेस अनटिल कुछ और ऐसी चीजें हैं, लाइक अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें या कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, डेफिनेटली वो लोग हमसे बहुत अच्छे हैं। बट मैं बोलूंगी कि जितना प्यार उन लोगों ने हम लोगों को दिया है, हम लोगों ने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोगों को इतना प्यार मिलेगा। बल्कि आपको खुश होना चाहिए कि आपके ही कंट्री के लोग हैं, उन्हें इतना प्यार मिल रहा है। बल्कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। वेल, मैं तो सिर्फ यूट्यूबिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरा पैशन है यूट्यूबिंग, और मौजम जॉब कर रहा है। बेसिकली इन्हें जो है ना व्लॉगिंग का बहुत ज्यादा शौक है, तो ये व्लॉगिंग चैनल भी चला रही है। अगर मैं बात करूँ तो मैं एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, मैं वहाँ पे एज ए अकाउंटेंट जॉब कर रहा हूँ। और मैं पहले टीचिंग किया करती थी बट फिर मैंने छोड़ दी, मतलब बीच में लाइक फॉर नो रीज़न, बट ये कि अभी मुझे यूट्यूबिंग का इतना मज़ा आना शुरू हो गया कि फिर मैंने फुल टाइम यहाँ पर ही डेडिकेट किया। अच्छा, आप लोग स्टडी कर रहे थे? थैंक यू। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोग जो हैं वो समझते हैं कि हम दोनों जो हैं वो मियां बीवी हैं, लेकिन नहीं, हम दोनों बहन भाई हैं। तो हमें अभी भी आके काफी ज्यादा जो है लोग, जब उन्हें पता चलता है कि नहीं हम दोनों बहन भाई हैं, तो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं वो हमें, बल्कि कमेंट करते हैं, ईमेल भी करते हैं। सॉरी, बिल्कुल। और हमें भी क्या नाम लेते हैं जो है, ये होता है कि यार हमने इतनी बार अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि हम दोनों बहन भाई हैं हमारा, बल्कि राखी पे एक ब्लॉग भी है पुराना। बिल्कुल, लेकिन ये कि जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को इतना आइडिया नहीं होता कि हम लोग बहन भाई हैं या फिर हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, बिकॉज आई थिंक यूजली इतना ज्यादा शायद बहन भाइयों का आई थिंक कोई इस तरह का रिएक्शन चैनल मेरा ख्याल है या नहीं है, मेरा नहीं ख्याल नहीं है, आई थिंक है ना।
हाँ जी एक है आइडियल रिएक्शन जिसमें वो पेन पे बैठ हाँ 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 बिल्कुल 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 आप तो ऐसे करिए अमिताभ बच्चन साहब पूछते हैं ना कौन बनेगा करोड़पति में चैनल बनाने का आइडिया मौसम का था और उससे पहले भी हाँ। हमारा चैनल यही चैनल जो है हमारा था लेकिन जो है थोड़ा डिफरेंट उसकी कैटेगरी थी तो एक दफ़ा मैंने क्योंकि मेरे जो है इंडिया से पहले भी दोस्त थे मेरी उनसे बातचीत होती थी तो बहुत ज़्यादा वो मेरे से प्यार भी करते थे अभी भी करते हैं क्योंकि मैं अभी भी उनसे कॉन्टेक्ट में हूँ तो मुझे वहाँ से जो है ये ज़रा आई कि क्यों ना इस तरह का चैनल बना के देखा जाए। एक चैनल था स्वैगी डी इंडिया का वो पाकिस्तानी कॉन्टेक्ट पे जो है वो कंटेंट पर रिएक्शन करते हैं तो वहां से मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना जरा ये करके देखा जाए। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपका पहले से काफी इंटरेक्शन था जो कि हमारे अगले क्वेश्चन के साथ लिंक होता है कि आपके पहले मतलब क्या आपका प्राइस था इंडिया को लेकर और कितनी ट्रांसफॉर्मेशन आई है आपका काफी टाइम से आप रिएक्शन कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन तो अगर आप हमारी पहली वीडियो देखेंगे ना उससे लेकर अभी तक आपको पता चल गया होगा कितनी ट्रांसफॉर्मेशन आई है क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हमें बोलते भी हैं बट मैं यहाँ पर कहूँगी कि नो डाउट बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं जो मिसकम्युनिकेट किया जाता था वो चीज़ें जुनसी हैं मतलब उस तरीके से हम लोग नहीं सोचते और जितना हम लोगों को प्यार मिला है मैं बोलूंगी कि हम लोग कुछ ऐसा सोच ही नहीं सकते। एक टाइम था कि हाँ जब डर लगा करता था कि इंडिया जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा इस तरह यू नो आपके आई थिंक आप लोगों के साथ भी शायद ऐसी ही सोच आती होगी मैं अभी हाँ। तो इतना ज्यादा दिल करता है और मतलब बातचीत कर करके मुझे लगता है हिंदी की वोकैबुलरी हम लोगों ने इतनी ले ली है कि हम अपनी रूटीन लाइफ में बोलना शुरू हो गए। बिल्कुल और अगर मैं बात करूँ जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेरे इंडिया में दोस्त हैं बात उनसे होती है लेकिन अगर उससे पहले व्यूज़ की मैं बात करूँ ना तो मेरे इंडिया के बारे में कभी भी व्यूज़ बुरे नहीं रहे क्योंकि शायद शुरू से ही मैं आपने वीडियो से देखेंगे मुझे ट्रेन से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैंने काफ़ी ज़्यादा उनकी वीडियोज़ देखी हैं काफ़ी ज़्यादा जो है उनकी वीडियोज़ को इंजॉय किया है लेकिन अगर अब आके बात करें क्योंकि अब तो एक डिफरेंट सिनेरियो है तो काफ़ी ज़्यादा हमने जो है उनकी चीज़ों को उनकी प्लेसेस को एक्सप्लोर किया है तो अब तो वो कहते हैं ना एक माइंड ओपन हो जाना तो काफ़ी ज़्यादा वो जो है माइंड ओपन हो जाता है। जो बेसिक चीज़ मुझे लगती है वो बीच में एक जो बॉर्डर है ना वो पाकिस्तान और इंडिया के लोगों में एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। वैसे नहीं मुझे एक और चीज़ लगती है कि क्योंकि हमें बहुत सारी ईमेल भी रिसीव होती हैं जिसमें लोगों ने बताया होता है कि हमारी परसेप्शन बहुत ज़्यादा चेंज हो गई आप लोगों के चैनल्स देखकर तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि एटलीस्ट हम लोग उस बैरियर को ख़त्म करने के लिए कुछ तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं क्योंकि जो चीजें हम लोग सोचते थे वही चीज वही डर उन लोगों को भी सेम था पाकिस्तान में आने के लिए कि अगर वो पाकिस्तान में आएंगे तो उनके साथ ऐसा होगा या पता नहीं क्या हो जाएगा सेम वही चीज़। बट अभी जब हम वीडियोस के थ्रू देखते हैं तो आपका सोचने का तरीका ही बदल जाता है और बहुत सारे लोग हमें ईमेल्स भी करके कहते हैं कि हम पाकिस्तान आना चाहते हैं घूमना चाहते हैं। वेल मैं यहाँ पर बोलूँगी मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो रिएक्शन चैनल्स हैं स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान को लेकर मुझे तो बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है जब इंडियन रिएक्शन चैनल्स बनते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक इंडियन रिएक्शन चैनल देखा आई थिंक वो दो फ्रेंड्स हैं या मतलब सिस्टर्स हैं मुझे ये आइडिया नहीं है बट ये कि ये चीज़ अच्छी लगती है कि लोगों में जो एक मिसकम्युनिकेशन थी वो इनके थ्रू ख़त्म हो रही है। जैसे आपने बोला कि जनरल पब्लिक जो उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो थोड़ा सा यू नो
चेंज है या नेगेटिव है या किस तरीके से, तो आई थिंक मिक्स्ड ऑडियंस आपको हर तरफ मिलती है। और जो अगर हम आम पब्लिक की भी बात करें, क्योंकि हम लोगों ने लाइव इंटरव्यूज भी किए हुए हैं पब्लिक प्लेसेस में जाकर, तो उसमें से कुछ लोग हम लोगों को ऐसे भी मिलते थे कि जो कि मतलब जिनके ओपिनियन काफ़ी हम कह सकते हैं कि लाइक ना तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते थे ना पॉजिटिव होते थे, कुछ लोग पॉजिटिव में होते थे बहुत ज़्यादा, कुछ लोग नेगेटिव में होते थे। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है कि अभी आकर लोग काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, ट्विटर है, फेसबुक है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है लोग एक दूसरे को अब जाना शुरू हो गया, क्योंकि अब उस तरह बैरियर्स नहीं रहे। बेशक मिलने में हैं, यहाँ पे हम जो है एक दूसरे से नहीं मिलते, लेकिन अगर आप उन लोगों को देखें जो दूसरे कंट्रीज में रहते हैं, वो वहाँ पे जो है वो सारे एक दूसरे से मिलते हैं, बातें भी करते हैं, और मेरा ख्याल है एक दूसरे की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल। तो ओके, तो ये जो हमने क्वेश्चन किया उसका एक आंसर जो रिसेंटली हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ, हमने लाइव इंटरेक्शन सेशन स्टार्ट किया था जिसमें हम हर एक दो वीक के बाद लाइव आके लाइव वीडियो कॉल भी लेते थे ऑडियंस से। तो उसमें एक वीडियो कॉल आई एक हमारी ऑडियंस में से एक बंदे की, तो उसने कहा कि यार मैंने आप लोगों का रिएक्शन जल्दी से देखना शुरू किया ना, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। उससे पहले मुझे ऐसा लगता था कि पर्सनल में हर बंदे ने बंदूक उठाई है और वो ढूंढ रहे हैं कि मुझे बंदा मिले जिसे मैं गोली मारूं, और औरतों ने बुरके पहने हुए हैं, ये भी एक परसेप्शन है। तो काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से रोक स्टेट है और वहाँ पर जैसे लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। हमने ब्लॉग बनाए काफी पहले पाकिस्तान के, जिसमें पाकिस्तान के टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एक मैसेज कन्वे किया कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की ओपिनियन चेंज हुई पाकिस्तान को। और ये की मीडिया के बारे में अगर हम बात करें, अगर इन जनरल हम तो हमें मीडिया के थ्रू पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, तो उसमें ऐसा लगता है कि मीडिया में एक थोड़ा सा एरिया जो बड़े अच्छे डेवलपमेंट है और बाकी बहुत बुरे हालात हैं, गुर्बत पड़ी हुई है, डेवलपमेंट के नाम की चीज़ नहीं है। बट जब आप रियलिटी में देखते हैं तो जितने बिल्कुल अपोजिट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चले अभी आप अपने क्वेश्चंस पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीच बीच में वैसे हम लोग क्वेश्चंस पूछते रहेंगे, क्योंकि हम लोग भी क्वेश्चंस पूछे बिना रह नहीं पाएंगे, मुझे पता है इतना। चले आप क्वेश्चन पूछ ले, हम फिर भी आपको जो है जवाब देंगे। उसके बारे में जनरली अगर हम आपसे पूछें कि वो आइडिया आप लोगों को कैसे आया, क्योंकि रिएक्शन चैनल से स्विच टू द पब्लिक अगेन मौजम मुझे कभी भी ये पसंद नहीं रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हम लोग पब्लिकली जाकर इंटरव्यू करें, मतलब मुझे अच्छा नहीं था इतना लगता। बट मौजम को ये बहुत पसंद था, इसलिए हम लोगों ने ये स्टार्ट किया। मुझे पर्सनली व्लॉगिंग अच्छी लगती थी कि डेली रूटीन लाइफ अपनी शेयर की जाए, बट मैंने कहा चलो अब मेरे भाई का शौक है तो इसको भी कर लेते हैं। असल में मैं अगर बात करूँ ना, तो जो मैं कुछ पाकिस्तानी चैनल भी फॉलो करता हूँ, जैसे डेली पाकिस्तान, उर्दू पॉइंट है, तो जब उनकी मैं वीडियोस देखता हूँ ना, तो वो ऐसे ऐसे लोगों से सवाल करते हैं जो दूसरे लोगों के ओपिनियंस बदलने पे उन्हें मजबूर कर देते हैं। तो बेसिकली पब्लिक इंटरव्यू या लोगों में जाके उनसे सवाल पूछने का ये मकसद था कि जो लोग आपके वाली बात सोचते हैं कि पाकिस्तान में तो पता नहीं इसी तरह ही सोचा जाता है कि वो हमारे दुश्मन है, नहीं, बेसिकली पर्पस ये था दिखाना कि लोग ये सोचते हैं कि आप और हम एक जैसे हैं। और ट्रस्ट मी, हम लोगों ने जब ये स्टार्ट किया था, जैसे कि मैंने बोला कि मुझे पसंद नहीं था, लेकिन जब हम लोगों ने स्टार्ट किया और हम लोगों ने लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू किया, बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हम लोगों को मिलना शुरू हुई, लोगों के जहन क्या है, वो क्या सोचते हैं, या हम लोग अभी सोच के लिहाज से किस लेवल पर है, हमारी यूथ किस लेवल पर है। और इवन के होता है ना कि जैसे लोगों के इस तरह के जो सेशन होते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं, हमारा इस तरह का कोई सीन
नहीं था हमारा जो है रैंडम जो मान जाए जो है सवाल का जवाब देने के लिए उससे हम फिर सवाल पूछते थे और जो है वो हमें अपने मुताबिक जो है वो जवाब दे देता था। लेकिन मैं ये कहूंगी ये थोड़ा सा टफ किस्म का एक काफी टफ था क्योंकि लोगों के बड़े मूड स्विंग्स होते हैं और समटाइम्स लाइक दे आर विलिंग एंड समटाइम्स दे आर नॉट, तो आपको थोड़े से मूड टैंट्रम उनके देखने और समटाइम्स जो है वो विलिंग भी होते थे जवाब अनएक्सपेक्टेड कोई रिस्पॉन्स मतलब आपका कहने का मतलब है नहीं आई थिंक अनएक्सपेक्टेड कुछ हमारे साथ इस तरह नहीं कभी नहीं हुआ बस ये होता था कि समटाइम्स इस तरह होता था किसी से हम पूछते थे वो मान तो जाता था लेकिन जब उसे पता चलता था कैमरे में रिकॉर्ड करना है तो फिर विलिंग नहीं थे होते। हाँ एक मरतबा अनएक्सपेक्टेड ये हुआ था, इट्स नॉट अनएक्सपेक्टेड इट्स फनी कि मुझे अभी तक भूलता नहीं है कि हम लोग एक मरतबा इंटरव्यू कर रहे थे और उस टाइम पर आई डोंट नो वो बंदा कहीं ऐसे पीछे खड़ा हुआ था और जब हम लोगों ने इंटरव्यू ले लिया तो उसके बाद बोलता है यूट्यूब कौन से चैनल पर आता है। हाँ बिल्कुल ये मतलब फनी हुआ, ये बहुत फनी था हमारा कि लाइक यूट्यूब कौन से चैनल पर आता है। जी तो नेक्स्ट राउंड में चलते हैं और जिसमें आपकी थोड़ी सी थोड़ा सा रिएक्शन करके इंडियन कंटेंट को देखने के बाद आपका नॉलेज काइंड ऑफ कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं हो जाए। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग ऑफ इंडिया। Everything, because मैं ये बोलती हूँ कि videos देखने के बाद मुझे हमेशा पहले ये लगा करता था कि हम अपनी शादियाँ उस तरीके से करते हैं, मतलब हमारी शादियाँ देख लें तेल मेहंदी माइयों हमारी ड्रेसिंग लड़कियों की भी लड़कों की भी इवन कुर्ता पजामा और पता नहीं कौन कौन से स्टाइल के कुर्ता पजामा हमें पता भी नहीं है लेकिन वो कहाँ से आए हैं वो सब कुछ वहाँ से ही आया हुआ है, हमारी रूट्स बेसिकली जो हैं वो हम लोगों को पता चलती हैं और फिर उसके अलावा जो हमारा कल्चर है वो हम लोग को पता चलता है कि हमारा कल्चर कहाँ से आया। तो मैं बोलूंगी कि बहुत सारी चीज़ों का हम लोगों को नॉलेज उनसे वो वीडियो देखने के बाद पता चला है। और अगर मैं बात करूँ कि इंडिया में तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको इंडिया में अच्छी ना लगे, उनका कल्चर उनका फूड उनका जो जितने भी टूरिज्म सेक्टर्स हैं या जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं सब जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और उसमें अगर आप देखें आपको उनकी रेलवे की बात करें तो रेलवे में आपको इतनी ज़्यादा उनकी वैरायटी मिलेगी, आपको इकोनॉमी क्लास आपको लग्जरी क्लास आपको प्रीमियर क्लास हर कुछ वहाँ पे मिलेगा। अगर आप उनके स्पेस रिसर्च को देखें तो वो भी कितना ऊपर जा रहा है, आप देखें तो वो मरकरी तक चले गए हैं चांद तक, डिफरेंट कंट्रीज को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके अलावा मतलब टूरिज्म के लिए मैं बोलती हूँ टूरिज्म इतना इम्पोर्टेंट सेक्टर है जो अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में बहुत कम है और क्योंकि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा इवन कि मेरा हाल में हमने और आपने भी पूरा नहीं देखा होगा नॉर्दर्न साइड कितनी खूबसूरत है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में देखने के लिए इतना कुछ है, वहाँ पर इतने समंदर हैं इतनी वादियाँ हैं इतने डिफरेंट डिफरेंट तरह के पहाड़ हैं। ये देखिए कल्चर बहुत ज़्यादा आप देखें ना जैसे आप इंडिया के साथ जो छोटे छोटे आइलैंड्स लगते हैं वो अगर आप देखें वो आपको लगता ही नहीं है कि वो आप एशिया में बैठे साउथ एशिया में बैठे हुए हैं, वो आपको ऐसे ही फील होगा जैसे या तो यूरोप में है या कैनेडा वाली साइड में, इस तरह की वो आपको फील्स देंगे। फिर हर दिन एक फेस्टिवल है, कलरफुल फेस्टिवल्स हैं आपको वो अट्रैक्ट करते हैं। तो मेरा हाल में जैसे वो बोलते हैं ना कि एक लाइफ में पूरा इंडिया घूमना आसान नहीं है, तो सच कहते हैं ये बताना भी आसान नहीं है कि हमें कौन कौन सी चीज अट्रैक्ट करती है और वो सच भी कहते हैं कि वाकई आप एक लाइफ में नहीं घूम सकते। कई फॉरनर्स ऐसे हैं जो हमने देखे उनके फोर्थ या फिफ्थ ट्रिप्स होते हैं इंडिया के लिए फिर भी वो कहते हैं कि हमने अभी तक कुछ नहीं देखा और मुझे बहुत वैसे दुख होता है पर्सनली इस चीज का कि हम लोग इतने साथ में नेबर में और हम लोग एक ट्रिप नहीं कर पा रहे। वैसे हम लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं मुझे लग रहा है जो आप अपनी लिस्ट में ऐड करना चाह रहे हैं कि ये जगह
यार अगर बात बात करें ना यहाँ पे, तो लिस्ट बनाने बैठे ना तो लिस्ट जो है वो छोटी पड़ जाएगी इतना कुछ है वहाँ पे देखने के लिए, घूमने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे कहते ना लगे हाथ, जो आप देख सकते हो आप देख लो। नहीं वेल, हमारा हमेशा से प्लान है कि हम लोग जयपुर, क्या बोले, कह रहे ऐसी कोई जगह बताएं जहाँ पे जरूर जाना है। मेरा ख्याल जयपुर, राजस्थान, कोलकाता, ये देखने का बहुत ज्यादा शौक है। मैं अगर बात करूँ जयपुर, हाँ, जो है क्योंकि वो रॉयल सिटी है इंडिया का, तो मैं वो जरूर देखना चाहूंगा। दिल्ली तो जो है वो सबके लिए एंट्री एग्जिट पॉइंट होता है, तो वो तो लाजमी हो गया ना। तो बाकी उसके अलावा बेंगलुरु देखना चाहूंगा, गोवा देखना चाहेंगे बिल्कुल, और उसके अलावा कोलकाता लाजमी देखना चाहेंगे। ये जो गोवा वाला पॉइंट है, ये मेरे से नॉर्मली पाकिस्तानी इसको नहीं बताता, क्योंकि हम लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हमें इन सिटीज का पता होता है बेसिकली। बात नहीं पता चला है हमें कि वो कितनी है, बहुत एग्जॉटिक प्लेस है। मैं बोलती हूँ कि फॉरनर कंट्री में जाने के लिए इंडियंस को तो स्पेशली ज़रूरत नहीं है। और मौसम, हम लोगों ने याद है एक हम लोगों ने ब्लॉग भी देखा था। ओके, मैं अगर हाँ मैं ये बात कर रहा था कि हाँ गोवा को लेके, कि अगर पाकिस्तान की बात करें ना, तो पाकिस्तान में जो है ना ज़्यादातर लोगों को इंडिया के जो बड़े शहर हैं जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, इनका ही पता है। अगर उसके अलावा हट के आप उनके जो दूसरे शहर हैं उनके बारे में बात करें तो बहुत कम लोगों को, जैसे नासिक है, वाराणसी है, और भी जो छोटे छोटे शहर हैं, सूरत है, तो बहुत कम लोगों को है। मैसूर फिर भी जरा फेमस है। हाँ, लेकिन ये कि साउथ इंडिया भी हम लोग घूमना चाहेंगे। साउथ इंडिया बहुत प्यारी जगह है, हमने कुछ वीडियो देखी तो आई एम मोस्ट इंप्रेस्ड विद साउथ इंडिया, बहुत प्यारा। साउथ इंडिया के साथ हमारा ऑलरेडी बहुत अच्छा कनेक्शन है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा साउथ इंडियन मूवीज देखते थे। सो नेक्स्ट, अब हम फूड की तरफ जाते हैं। तो फूड की काफी वीडियो आप लोगों ने इंडिया की देखी होगी, तो फूड आइटम्स में कौन सी ऐसी फूड की चीजें थी जो आपको लगता है कि पाकिस्तान में नहीं मिलती और ये तो इंडिया में जाके ट्राई करने पड़ेगा? वैसे इसका जवाब तो आपको खुद भी बड़े अच्छे से पता है, पाकिस्तान में मतलब आई थिंक वेज में तो वैरायटी है ही नहीं है पाकिस्तान में। तो मतलब फॉर वेज इंडिया इज हेवन वेजिटेरियन लोगों के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वेज में भी चीज़ें होनी चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि हम लोग बाहर जाते हैं हम ज़्यादा चिकन पर ही टूटते हैं, और तो हमारे पास कोई ऑप्शन होता नहीं है इतना खास। बट आई हाँ जी तो मैं ये बोलूँगी कि सिर्फ एक चीज़ नहीं, अगर आपने कभी हमारा फूड ब्लॉग देखे हो मौसम रिएक्शन चैनल पे, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि हम लोग कितने भुक्कड़ लगते हैं वो देखते हैं। बिल्कुल, और जो है ना वो कहते हैं ना कि खाना देख के इंसान की राल टपकती है, तो हमारी राल अंदर वाली साइड पे टपक रही होती है, इतना उनका जो है ना स्वादिष्ट किस्म का वो खाना लगता है। देखिए हम पंजाबी हैं, और पंजाबी बहुत यू नो खाने पीने में होते हैं कि लाइक शेर होते हैं। हाँ, तो उनके अगर फूड की बात करें ना, तो आप देखें उनके फूड पे चीज किस तरह यूज हो रहा होता है। उनके अगर स्ट्रीट फूड की बात करें, तो स्ट्रीट फूड मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ पे इतना सस्ता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप तो इस्लामाबाद में रहते हैं, तो मैं क्योंकि मेरा एक रिसेंट टूर रहा हुआ है, तो जितना महंगा मुझे इस्लामाबाद लगा है ना, मुझे लाहौर भी नहीं सीरियसली नहीं लगा। मतलब 30 रुपए का पास्ता रेडी पर आपको मिल रहा है, आप खुद सोचिए पाकिस्तान में हम लोग इमेजिन कर सकते हैं 30 रुपए का पास्ता हमें मिल जाए? सबसे पहले यही नहीं हम इमेजिन कर सकते, ठीक है? चीज हाँ, और चीज अगर आपने ऐड करवानी है, टॉपिंग करवानी है, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, तो मैं कहती हूँ मतलब हम लोगों को तो ये लूट रहे हैं। और अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी रेडी वाले ने पास्ता लगाया भी होगा ना, आप उसे कहेंगे ना 30 रुपए का पास्ता दे दें, वो आपको ऐसे घूरेगा ना कि आप दोबारा उसके पास ही नहीं गुजरेंगे। बट आई होप हम लोग आपको काफी ज्यादा एंटरटेन कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना हम लोग आप लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, मुझे कुछ ऐसी वाइब्स आ रही हैं।
पर खाने के बारे में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जब भी खाने की वीडियो देखते हैं तो वाकई वो कुछ होना शुरू हो जाता है। एक दिन हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे रात को 2 बजे, तो हम 2 बजे उठ के चले गए कुछ खाने, इतनी भूख लगी सिर्फ फूड की वीडियो देखने की वजह से, और रात को 3 बजे हम बाहर थे, 4 बजे डॉक्टर ने हम वो खा लिया। फिर इसी तरह ही होता है, बस वो क्रेविंग आपकी बढ़ती है ना कि अब कुछ खा लो। और बट ये है कि मुझे सीरियसली लगता है कि ना अगर यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंट्रोड्यूस करवाई जाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो लोगों को काम मिलेगा, ठीक है, कुछ नई चीज़ आएगी। जैसे अभी आप देखें, पहले पाकिस्तान में मोमोज नहीं थे, अब पाकिस्तान में मोमोज भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो ऐसे ही जब चीज़ें ऐड होती जाएंगी और उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला लोगों को, तो मुझे ऐसा लगता है कि वैरायटी होनी चाहिए फूड में ताकि लोगों के पास चॉइस हो। बहुत सारे लोग हैं जो अभी मतलब दे आर स्विचिंग कि वो वेजिटेरियन हो रहे हैं, और उसके अलावा एक और चीज़ होनी चाहिए, थोड़ा सस्ता होना चाहिए ताकि हर बंदा जो है वो अफोर्ड कर सके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि एक आम आदमी की पहुँच में होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बहुत, मुझे नई चीज होना तो बहुत महंगी हो जाती है, जितनी महंगी चीज होती है हम पाकिस्तानी उतना उसके पीछे भागते हैं कि बस ये हमारे पास है ना तो हम कुछ बहुत ही, हमारा कोई स्टेटस बड़ा ऊंचा हो गया। तो मेरा ख्याल में जब तक हम लोग इन चीजों से बाहर नहीं निकलेंगे ना, तब तक मेरा ख्याल में थोड़ा सा तरक्की करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि आपको थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। मेरा ज्यादा भी होनी चाहिए और सस्ती भी होनी चाहिए, बट मेरा क्वेश्चन ये कि स्ट्रीट फूड है कहाँ पर? इस्लामाबाद में तो आई एम श्योर कि नहीं होगा, नहीं है ना? इस्लामाबाद में पहले थी, पहले थी, पिंडी में भी पहले सदर बाजार के पास थी फूड स्ट्रीट, लेकिन वो खत्म कर दी। लाहौर में भी देखे जो, बट मुझे, मैं बहुत देर पहले आई थी इस्लामाबाद, मतलब बहुत देर पहले, मतलब कि जब मैं ट्रिप के साथ, अपने यूनिवर्सिटी ट्रिप के साथ आई थी, तब सेवर आई थिंक, हाँ वो बड़ा फेमस है वहाँ पर, लेकिन वैसे सॉरी टू से बट मुझे पसंद नहीं आया था। मुझे भी नहीं पसंद आया, असल में इतना फेमस है। असल में रीजन इसकी ये है ना कि लाहौर के जो लोग हैं ना वो जरा स्पाइसी खाना खाते हैं, तो सेवर का जो खाना है वो जरा थोड़ा फीका है, तो इस वजह से हमें पसंद नहीं आया। वैसे लाहौर में भी ब्रांचेस हैं, इंडिया और इस्लामाबाद दोनों का सिग्नेचर फूड है। हाँ बिल्कुल, लाहौर वालों को वक्त ही पता था कि मैं लाहौर का जो टेस्ट है उसका प्रॉब्लम नहीं। आप ऐसा ना कहें, लाहौर में भी 2 सेवर खुले हैं और आप वहाँ पे कभी जाएं आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। मैं यही बता रही थी लाहौर में भी 2 ब्रांचेस है हाँ जी सेवर की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एक अच्छी थी चीज पाकिस्तान की, एक बुरी चीज पाकिस्तान की, एक अच्छी चीज इंडिया की, और एक बुरी इंडिया की। इन जनरल लगता होगा कि होना चाहिए अच्छी बुरी चीज बताइए दोनों पे, इन जनरल ओपन स्टार्ट। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया, मतलब ये क्वेश्चन जो है आपने मुश्किल पूछा है। ऑनेस्टली मैं बोलूं, मुझे कभी भी किसी भी कंट्री की, ये नहीं, अब ये कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं होगा मेरा, हमारी अगर वीडियोस भी अगर आप देखें ना, मुझे कभी भी किसी भी कंट्री की नेगेटिविटी दिखाने का मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। उसकी रीज़न ये है कि आप ऑलरेडी बहुत कम पॉजिटिविटी है यहाँ पर, नेगेटिव चीज़ें निकालने हम आएंगे ना तो बहुत सारी निकलेंगी, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान की भी बात करेंगे तो हमारे पास बेशुमार लाइन में लगी हुई हैं कि हम लोग नेगेटिविटी निकालते जाएंगे, बट पॉजिटिविटी क्या है, हम खुद हैं, आप हैं, और यही पॉजिटिविटी, यही एक अच्छी चीज़ है कि लोग जो उनसे हैं वो पॉजिटिव होते जा रहे हैं। सिमिलरली मैं इंडिया के बारे में भी बात बोलूँगी कि वहाँ से हम लोगों को इतने अच्छे लोग मिले, तो जो छोटी मोटी नेगेटिविटी जैसे कि हमें कमेंट सेक्शन में भी मिलती है तो हम लोग हमेशा उसको अवॉइड करते हैं। इवन कि हमारे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं कि वो हम लोगों को मैसेज करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखा होगा, ईमेल्स में आया होगा कि अगर लोग आपको कुछ भी बोलते हैं प्लीज़, ये बस थोड़े से लोग हैं जो ऐसे ही बात करते हैं, तो आप लोग इनका बुरा मत बनाइएगा। तो मैं इस चीज़ के हक़ में कभी हूँ ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी कंट्री के बारे में बुरा बोलना ना वो चीज़ गलत है, क्योंकि वो उस कंट्री का खुद पर्सनल मैटर है। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि छोटे से हिस्से के लिए ना बड़ा सा हिस्सा वेस्ट कर देना बेवकूफ़ी है।
लेकिन वैसे मुझे ये लगता है कि बड़ा अच्छा मैसेज है कि हमेशा पॉजिटिव साइड पे देखना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत थोड़ी होती है लेकिन वो हाईलाइट ज्यादा हो रही होती है. एग्जैक्टली. क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया भी देखें तो मतलब क्या है, लोग लड़ रहे हैं और मुझे वो बेवकूफ लगते हैं कि सोशल मीडिया पर हम लोग क्यों लड़ रहे हैं. हम लोग अपने हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं हम उन पर क्यों नहीं फोकस करते. अगर हम उन पर फोकस कर लेंगे तो आई थिंक हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा राउंड है इसमें कुछ क्वेश्चन है जो हमने अपनी ऑडियंस से कहा था कि वो जो अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हम एक क्वेश्चन पोस्ट करते हैं. तो काफी सारे क्वेश्चन आए थे जिसमें से हमने सिर्फ 4-5 क्वेश्चन चूज किए जो हम आपसे पूछेंगे. तो पहला क्वेश्चन है एनोनिमस बी ने क्वेश्चन किया है, डज रिएक्शन चैनल मेकर ने पाकिस्तान फेस एनी प्रॉब्लम एज दे मेक कंटेंट ऑन इंडिया एंड एज यू नो दीज आर सेंसिटिव इश्यूज फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, वन ऑफ द कंट्रीज वांट टू टॉक गुड फॉर अदर. कभी ऐसी प्रॉब्लम आई है, कभी कुछ फेस करना पड़ा इंडियन कंटेंट की वजह से पाकिस्तान? मैं बोलूंगी ऐसा सच वैसे हम लोगों को वैसे कभी प्रॉब्लम नहीं आई. कभी किसी ने नहीं कुछ कहा कि आप इंडियन कंटेंट पर क्यों कर रहे हैं. बट वाइफ जरूर आई है, ये मैं बोलूंगी कि आप लाइक जब गैदरिंग में होते हो तो कुछ लोगों की वाइब्स ऐसी जरूर आई हैं जो कि थोड़ी सी होती हैं यू नो कि मतलब ये इंडिया के कंटेंट पर या उनके प्रोजेक्ट्स देकर उनकी तारीफ करते हैं. तो ऐसे एलिमेंट्स हर जगह अवेलेबल हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उन लोगों को भी थोड़ा, क्योंकि पता है थोड़ा सा मुझे लगता है चीजों को वाइड एंगल से देखना. असल में यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि हम जो है अब तकरीबन 2.5 साल लंबे होने वाले हैं हम इंटरेक्शन में हैं उनके साथ. जो लोग हैं जो अभी तक इंटरेक्शन में नहीं है उन्हें जो है वही पुरानी वाली चीजें फील होती है. लेकिन अगर अब देखा जब बहुत टाइम गुजर चुका है अब चीजें वैसी नहीं है. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री प्रसाद पूछ रही है, आस्क देम व्हाट इज देयर एज एंड यू बोथ आल्सो आंसर द सेम. पहले आप बताएं व्हाट इज आवर एज. आई थिंक मोस्टली पीपल नो अबाउट माय एज. दोनों की पूछिए, लेकिन ईमान अगर आप स्किप करना चाहते हैं नहीं नहीं दे दे लेकिन मतलब आप बताएं लास्ट में क्या बोला आपने. दोबारा से बोलें. वो यहाँ पे ना एक पुरानी कहावत बहुत मशहूर है कि मर्द से उसकी तनख्वाह और औरत से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, वरना जो है ना झगड़े हो जाते हैं. नहीं नहीं मैं ये बोलती हूँ कि मौजम ऑलरेडी एक आई थिंक रिएक्शन चैनल की वीडियो थी हमारी या ब्लॉगिंग था उसमें हमने बता दिया था. हमने बताया था. हाँ. मेरी अभी रिसेंटली आई एम 34 नाउ माशा. और मैं जो है ये 15 तारीख जो आ रही है 15 अगस्त. हाँ. तो उस पे जो है मैं 28 का हो जाऊंगा. मैं 1st अगस्त में 34. 15 अगस्त को इंडियन इंडिपेंडेंस डे. मुझे बहुत खुशी होती है, सीरियसली बहुत खुशी होती है. काफी ज्यादा जो है ना लोग नहीं बल्कि दोस्त वो मुझे कहते हैं कि तू इंडिया के साथ आजाद हुआ. तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार तुम्हारी बर्थडे तो 2-4 लोग मनाते हैं, मेरी देखो 1.5 अरब लोग तकरीबन जो है मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. सो आपको आपकी क्वेश्चन का आंसर मिल गया और एक और भी आपकी पता चल गई कि आपको 15 तारीख को जाके विश करना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन शरिया हमसे पूछ रही है कि जस्ट टेल इमान शी सेड इन अ वीडियो इन मार्च that she will be coming to India to play Holi next year. Ah. Is she really planning to come? But we would love to celebrate Holi with her. So are you planning to go to India? मैं तो गरबा भी सेलिब्रेट करना चाहती हूँ. मैं तो बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहती हूँ. जो बड़े बड़े उनके जो फेस्टिवल्स हैं ना वो हम जरूर सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जिसमें दीपावली है, जिसमें गरबा है, जिसमें होली है. ये जो है इंडिया के जो है सबसे बड़े फेस्टिवल्स हैं जो कि पूरे इंडिया में मनाए जाते हैं. उसके अलावा छोटे छोटे फेस्टिवल्स हैं हर स्टेट के, हर जगह के अपने अपने. लेकिन हाँ, हम जाना चाहते हैं, लेकिन इस साल जो सिचुएशन है कोरोना की वजह से तो पॉसिबल ही नहीं है. लास्ट ईयर भी एक प्रॉब्लम हो गई थी और आप लोगों को भी बताया, उसकी वजह से काफी ज्यादा टेंशन आ गई थी. अभी इस साल में ये कोरोना की प्रॉब्लम आ चुकी है. पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि कब हम लोगों को चांस मिलेगा कि हम लोग विजिट कर सकेंगे. क्योंकि एक कमेंट मैंने भी लास्ट वीडियो में ही उसको बोला, मतलब कमेंट किसी का आया था और मैंने वो पढ़ा था कि जर्मनी से थी एक ब्लॉगर और वो 5-6 मरतबा इंडिया आ चुकी हुई है.
और हम आप लोग तो सिर्फ एक आपने बॉर्डर क्रॉस करना है, एक तार क्रॉस करनी है और आप लोग अभी नहीं आ सके। लेकिन हमें ये नहीं ना मालूम वो एक तार क्रॉस करने के लिए कितने ज्यादा प्रोसेस हैं। जर्मनी में तो लोग जो हैं वो तो आराम सुकून से, उन्हें तो कोई टेंशन नहीं है ना, उनके पासपोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके तो बहुत ज्यादा कंट्री फ्रीज है, तो वो चले जाते हैं। Exactly. So, इसका आंसर यही है कि अभी सिचुएशन ऐसी है और ऑब्वियसली बहुत सारे प्रोसेस, और वी होप के जो गवर्नमेंट लेवल पे टेंशन हमारी कम हो और जितनी ज्यादा कुछ पॉजिटिव एनवायरनमेंट बने ताकि इजीली लोग ट्रैवल करें। होप कि हम सारे मिलकर इकट्ठे इंडिया जाएंगे और विजिट करके आएंगे, मतलब लोग दोनों साइड पर ट्रैवल कर सके, क्योंकि पॉलिसीज फ्लेक्सिबल होंगी तो हम लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। एक आम आदमी को उनके लिए ट्रैवल करना बहुत आसान हो जाएगा, और अगर पॉलिसीज जो है वो उसे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर लेती हैं गवर्नमेंट दोनों साइड की, तो वहां से भी बहुत सारे लोग यहां पे आएंगे और यहां से भी बहुत सारे लोग वहां पे जाएंगे। हमेशा के लिए मेरा नहीं ख्याल कोई भी आना चाहेगा। वो हमने नहीं भेजा, वो तो अपनी मर्जी से गए, उनकी चॉइस थी। एंड आई फील कि हम लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिल्कुल, कि एक बंदा कहाँ पर रहना चाहता है, वो कहाँ पर खुश है, बिल्कुल। अगर उसके अलावा देखेगा पाकिस्तानी एक और एक्ट्रेस है सलमा आगा जी, वो भी वहाँ पे रहती है, तो जो है जो शख्स यहाँ पे रहना चाहता है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी भी ऐसे हैं जो दूसरे जो कंट्रीज में जाके रहना चाहते हैं, जैसे यूके, कनाडा, अमेरिका, तो वहाँ पे भी तो हम रिस्पेक्ट करते हैं ना उस चीज की, तो यहाँ पे भी हमें करनी चाहिए। ओके, सवाल थोड़ा सा खराब हो गया। कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है इंडिया की जिसको आप चाहते हैं कि वो पाकिस्तानी होती तो ज्यादा अच्छा? सवाल असल में वही होती है, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री जितनी बड़ी है तो मेरा ख्याल है जो यहाँ पे लोग हैं वो वहाँ पे जाके काम करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर जो लोग हैं ना जिस जगह पर है, हम लोग मैं मतलब हमारा बाकी में मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसका जवाब क्या दूं, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को पाकिस्तान आने नहीं देना चाहते, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो इंडिया जिस लेवल पर जा रहा है डेवलपमेंट के लिहाज से, तो मेरा नहीं ख्याल कोई आना भी जाएगा। अब अगर हम बात करें कि अगर हम किसी बॉलीवुड की पर्सनैलिटी को, जैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं पाकिस्तान जो है हम कहें आ जाए, तो मुझे नहीं लगता कभी भी आएंगे। वैसे वर्क करने के लिए आ जाए, वैसे आप बता दें आप किसको लेकर आएंगे, हो सकता है फिर हमारे जहन में भी कोई बात आ जाए। अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं पहले बता दूं कि मैं बाबर आजम को उठाकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लेकर आना है। बाबर आजम को उठा, तो वो तो पाकिस्तानी नहीं है, वो तो पाकिस्तानी है, तो उन्हें उठा के तुम्हारा लेके आना है। रीजन क्या है विराट कोहली को आप क्यों लेकर आना चाहते हैं पाकिस्तानी टीम में? मैं पर्सनली उसका सबसे बड़ा फैन हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है क्रिकेट में उससे बेटर प्लेयर कोई नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो पाकिस्तानी टीम ही हो, पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छी हो जाती है। बैटिंग में हम हमेशा मार खाते हैं ना, तो विराट कोहली आ जाए तो नहीं, हम लोग कैच पकड़ने में भी मार खाते हैं, वो ऐसे नीचे गिर जाते पता नहीं चलता, नहीं वो कैच होता यहाँ पे वो बस एक दो इंच का फर्क पड़ जाता है तो वो कैच मिस हो जाता है, फिर वो ऐसे जैसे बॉल जाती है हम बॉल के पीछे जाते हैं ना, भागते भागते हम थक जाते हैं, हमें पता है कि अभी इसने तो क्रॉस कर दी नहीं बाउंड्री, अब हम भागे ना, तो हमने भाग के अपने आप को क्यों साथ से डाला है, बेहतर यह जब क्रॉस कर जाएगी बाउंड्री जो है पैदल जाके ले आएंगे। नहीं ये सच है, रूस नहीं कर रहे लेकिन ये सच है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ट्रेनिंग है। अभी विराट कोहली की अगर आप बात कर रहे हैं तो वाकई में जो उनका फिटनेस लेवल है, आपने भी वीडियोस में देखा होगा, हम लोगों ने भी देखा है,
कि वो बहुत फिट प्लेयर हैं, और आई थिंक बहुत कम प्लेयर ऐसे होते हैं जो इतना ज़्यादा फिट रखते हैं अपने आप को, और आई थिंक आज के टाइम में ही इज़ अ बिग सेलिब्रिटी। और हमारे जो कैप्टन है उनका तो आपने उसमें वो मैच में लाइव में आपने देख ली होगी फिटनेस। हमारे आज के कैप्टन कौन है मुझे नहीं, सरफराज की बात कर रहा हूँ, अभी तो वो नहीं है, चेंज हो चुके हैं। चले मैं सरफराज की बात कर रहा हूँ, आपने वो क्रिकेट मैच था जिसके बाद वो बेचारा भाई जब बात बदल दी, हालात बदल दिए, पट्टी को ये बातें नहीं कहनी चाहिए, कुछ बातें रात ही रहना अच्छा होता है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो हमें ऑडियंस की तरफ से आया, वो है व्हाट डू दे परसीव अबाउट इंडियन डाइवर्सिटी और मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में आपका क्या ख्याल है? वही सबसे ज्यादा मल्टीकल्चरल भी है। एग्जैक्टली वही चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और आई थिंक उसी को देखने के लिए दुनिया बार बार इंडिया में जाती है, और हम लोग अभी तक 2-2.5 साल हो गए हैं कि हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, बट हर वीडियो हमें इतनी डिफरेंट मिलती है, और एक नया फेस्टिवल, एक कुछ ना कुछ नई चीज़, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में देखने के लिए इतना कुछ है, उनके कल्चर को लेकर देखें आप। आप ये देखेंगे इंडिया जो है एक ऐसा मुल्क है कि वहाँ पे कल्चर की लाइन लगी हुई है, वहाँ पे आपको अफगानी भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको जो है जितनी भी उनकी स्टेट्स हैं, उसके अलावा बात करें तो ट्राइबल एरियाज के जो लोग हैं वो भी आपको जो है नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे, जो सेवन सिस्टर स्टेट्स जिन्हें कहा जाता है, वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा जो है डिफरेंट किस्म के ट्राइब्स भी नजर आएंगे। तो कल्चर के लिहाज से बात की जाए ना, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि दुनिया का कोई ऐसा कल्चर नहीं है जो इंडिया में ना बसता हो, वहाँ पे आपको गोरा भी नजर आएगा, गोरा हमारे लिए तो गोरा सिर्फ एक ही है जो वाइट चमड़ी वाला है, लेकिन उसके अलावा अगर जर्मन, फ्रेंच, अमेरिकन, ये सब आपको वहाँ पे मिलेंगे। और इवन याद है आपको हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक लेडी थी जो रशिया से इंडिया आके बस गई, रशियंस भी बहुत ज्यादा इंडिया में हैं, मतलब ये आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर आपको डिफरेंट नेशनैलिटीज देखने को मिलेंगी। और हमारे यहाँ पे तो है ना कि हम गलती से एक गोरा देख लें, चलो छोड़ो हमारे की बात छोड़ दो। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, पाकिस्तान के लोगों के लिए भी और इंडिया के लोगों? मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जो लोग जो एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में हैं, उन्हें जो है चीजों को मजीद एक्सप्लोर करना चाहिए, और अपने इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं जो यानी कि इस तरह की सोच रखते हैं कि नहीं यार वहाँ पे इस तरह है या इस तरह है, बताना चाहिए कि नहीं यार आपने कभी किसी से कम्युनिकेशन की है, आपने कभी किसी से बात करने की कोशिश की है या नहीं की है। जब वो आप इस तरह के उन्हें नॉलेज देंगे ना, तो वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि मैं जो दूसरा मुल्क है ना, जो मेरा मसाया जो मुल्क है जिनकी एक जैसी ज़ुबान है, एक जैसा कल्चर है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँ। वो फिर बंदा बेशक जैसे मर्जी सर्च करे, इंस्टा पे सर्च करे, फेसबुक पे सर्च करे, वो ज़रूर ज़िंदगी में एक बार कोशिश करेगा कि यार मैं कोशिश तो करके देखूँ मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलता है। और मैं ये मैसेज देना चाहूँगी दोनों साइड के लोगों को कि अभी जितनी अनसर्टेनिटी है लाइफ में, हम लोगों को नहीं पता कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है, और अगर देखा जाए एक टाइम पर ये सरजमीन एक ही थी, 1947 में इसकी डिवीजन हुई, लोग फिर भी एक जैसे हैं, चाहे कुछ तरक्की ज़्यादा कर गए हैं, कुछ थोड़े पीछे रह गए हैं, लेकिन दोनों साइड के लोगों में अच्छे लोग भी हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नेगेटिव भी हैं। तो लोगों को अब आकर, क्योंकि हमारे पास इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं कि जिससे हम अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को एक दूसरे को चांस देना चाहिए कि वो एक दूसरे को समझें, बायस नहीं होना चाहिए हम लोगों को किसी भी बेस पर, क्योंकि ह्यूमैनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें एज अ ह्यूमन एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, रादर देन कि हम लोग किस जगह से बिलोंग करते हैं या हमारा रिलीजन क्या है या मतलब हमारी अपनी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा ओपन होना पड़ेगा और ज़्यादा,
और हम लोगों को समझना पड़ेगा कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम इज कि हम लोग कहते हैं कि अगला बंदा आगे बढ़े, हम क्यों एक स्टेप आगे पहले नहीं ले सकते। बेसिकली हाँ। हम लोगों को जो है ना, ये जो कम्युनिकेशन बैरियर है ना हम लोगों के बीच में, पाकिस्तानी और इंडियंस के बीच में, ये खत्म करने की जरूरत है। एक दूसरे से बातचीत करने की जरूरत है। जब बातचीत हो ना, तो फिर अगर आपके बीच में कोई इश्यूज भी होते हैं ना, तो उनका हल निकल आता। क्योंकि एक चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी, मतलब ऐसे बात मैसेज देते देते एक चीज मेरे जहन में आ गई कि आप देखें, जब इंडियन और पाकिस्तानी किसी भी दूसरे कंट्री में होते हैं, उनकी फैमिलीज होती हैं, कितने प्यार से रह रहे होते हैं। ठीक है, वो बोलेंगे हम बहन भाई। इवन के मेरे जानने वाले हैं, उनके आगे से फ्रेंड हैं जो इंडियन हैं, नेबर हैं, वो एक दूसरे घर आते जाते हैं, इकट्ठे खाना करते हैं। फिर हम क्यों नहीं कर सकते अपने अपने कंट्रीज में रहके? हम अगर अपनी बात करें तो हम जब टूर पे गए थे पाकिस्तान से बाहर, तो वहाँ पे जिस होटल में हमने स्टे किया था, वहाँ पे जो मैनेजर था वो इंडियन था। और लिटरली वो हमें देख के बहुत खुश हुआ कि हम पाकिस्तानी हैं, और हम उसे देख के बहुत खुश हुए कि वो इंडियन है। सीरियसली, और मैं ये बात बोलूंगी कि दे आर वेरी सिंसियर टू देयर वर्क। बेसिकली यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर है, वहाँ पे नहीं है। और थोड़ी मिस कम्युनिकेशन भी है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी है, ये भी है। तो ये चीजें अगर खत्म हो जाए ना, तो आई थिंक बहुत चीजें सही हो जाएंगी। वेरी नाइस मैसेज, थैंक यू सो मच। आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, आखिर में हम श्योर लोगों के दिलों में जाकर असर करेंगी ये बातें। अभी काफी सारे और क्वेश्चंस आप लोगों से करने बाकी हैं, यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है लोगों ने आपसे पूछे हैं, लेकिन मैं श्योर कि आप लोग भी अब देख रहे होंगे काफी लंबी वीडियो होती जा रही है, तो आपको नेक्स्ट टाइम जरूर दोबारा बुलाएंगे। आई होप कि आप दोबारा आएंगे। हमें टाइम देने के लिए यहाँ पे हम वीडियो को क्लोजिंग करते हैं, और जैसे एंडिंग में इतना अच्छा मैसेज दिया कि जो कुछ स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं उनको हट के थोड़ा पर्सनल कम्युनिकेशन की तरफ भी जाना चाहिए, और किसी और चैनल को बुलाएं तो उसका हमें नीचे थोड़ी सी खप डालें ताकि